हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं उज्ज्वल चित्रांश और मैं आप सभी का इस अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं जिसका नाम है चित्रांश कॉमर्स क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे इस जो वीडियो का मेन थीम है वो ये समझाना आप लोगों को है कि हमारा ये जो सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है इससे हमारे बोर्ड्स में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और किस किस चैप्टर से किस किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि सबसे जरूरी जो क्या जानना होता है, किसी भी सब्जेक्ट को अगर स्टार्ट किया जाता है अगर अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए, तो सबसे जरूरी होता है कि पहले उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज रखें कि ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमारा है इससे बोर्ड में कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और जो हमारे पास सारा सिलेबस है अपनी बुक्स के, तो उन सारे सिलेबस में उन जो सारे चैप्टर्स हैं उस सभी चैप्टर्स से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में बनाए जाते हैं। तो अगर हमारा मार्किंग पैटर्न क्लियर हो गया कि इस चैप्टर से हमारे इतने मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, या फिर हमारा जो पेपर बनने वाला उसका पूरा फॉर्मेट क्या है, ये आइडिया अगर हम अच्छे से लगा लेते हैं तो क्या होता है, हमारा प्रिपरेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाता है। तो हमारी जो क्लासेस होंगी सॉल्यूशन के लिए, जो भी हम अपने सारे क्लासेस के सॉल्यूशन देंगे, जो भी हमारा बुक में है चैप्टर्स, उन सभी के सॉल्यूशन अपने अपने इस चैनल पे कराते चलेंगे। लेकिन सबसे फर्स्ट मैंने ये वीडियो बनाया है इसीलिए ताकि पहले आप इस सब्जेक्ट के बारे में पूरा अच्छे से जान लें कि मार्किंग पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, किस तरह से पेपर बोर्ड में बनाए जाते हैं। ये सारी चीजें आज हम इस अपने वीडियो में कवर करेंगे और उसके बाद से फिर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वहां से हम लोग अपने पूरे सब्जेक्ट की पूरी ऑनलाइन प्रिपरेशन करेंगे अपने इस चैनल पे। तो चलिए हम देखते हैं। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी एंड बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारा जो अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट कोड रहता है वो है 055। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि अकाउंटेंसी हमारा टोटल कितने मार्क्स के अगर आते हैं, तो तुरंत हम कहेंगे कि सर हमारे पास टोटल 100 मार्क्स के जो बोर्ड्स में पेपर आते हैं, तो टोटल मार्किंग हमारी हो गई बोर्ड्स में 100 मार्क्स की। अब हम वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि कई बार होता है वीडियो हम आगे बढ़ जाते हैं कि हमें ये चीज तो पता है, लेकिन नहीं, जो चीज हम बताने वाले हैं आप पूरा जब ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या चीजें मैं डिफरेंट चीजें बता रहा हूं सारी। तो ध्यान से देखते चलिए, 100 मार्क्स का हमारा ये टोटल अकाउंटेंसी का पेपर है विच इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज 20 मार्क्स एंड द अनदर पार्ट इज 80 मार्क्स। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी पहले से लिख कर भी रख सकता था, लेकिन लिख कर अगर रखता तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लिखते चलूंगा और आपको यहां पर एक्सप्लेनेशन भी देते चलेंगे। तो जो सबसे हमारा मेन पैटर्न है क्या 20 एंड 80 का, तो 80 मार्क्स का तो हमारा पूरा पेपर होना है, ये सभी को पता है। लेकिन ये जो 20 मार्क्स है ये भी सभी को पता होगा कि ये 20 मार्क्स के हमारे होते हैं प्रैक्टिकल, और ये जो प्रैक्टिकल का पोर्शन है ये भी हमारा डिवाइडेड होगा कुछ पार्ट्स में। जैसे कि ऑलरेडी कुछ बच्चों को पता भी होगा, मैं यहां पर कुछ चीजें क्लियर करता हूं, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो बहुत रेयर है क्योंकि हम यहां पर वो चीजें बता देंगे कि हमारे किस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल आने वाले हैं प्रैक्टिकल्स में, जो मोस्टली 95-100% चांसेस होते हैं पूछे जाने के लिए। तो यहां पर हम जो 20 पार्ट्स हमारा डिवाइडेड होता है ये 3 मार्क्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट इज 12, अनदर इज 4 एंड द लास्ट इज 4। टोटल हमारा हो गया ये 20 मार्क्स का पेपर हमारा प्रैक्टिकल के लिए। अब अगर मैं 12 मार्क्स की बात करूंगा तो जो 12 मार्क्स हमारा कवर होता है ये सिर्फ और सिर्फ हमारा रिटन टेस्ट पे कवर होता है। ये हमारा रिटन टेस्ट होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। अनदर 4 पार्ट जो है हमारा है ये हमारा वाइवा के लिए होता है, एंड अनदर जो है ये हमारा प्रोजेक्ट की फाइल के ऊपर हमारा नंबर मिलते हैं। सो वाइवा के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे जैसे हम चैप्टर्स आगे पढ़ते चलेंगे उन सभी चैप्टर्स के लिए हम अपने वाइवा के क्वेश्चंस भी बताते चलेंगे, जिससे इसकी भी प्रिपरेशन होती चले, फाइल की प्रिपरेशन, स्कूल से सभी को प्रोजेक्ट फाइल मिल जाती है। आप जैसे ही आप लोगों
लास्ट टाइम में जब फाइल मिलेगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को पूरी की पूरी एक फाइल बनाने का पूरा एक प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से सिंपल वे में हम पूरी फाइल बना देते हैं। नहीं तो होता क्या, एग्जामिनेशन टाइम में बच्चे क्या है, फाइल बनाना शुरू करते हैं तो वो एक एक हफ्ता फाइल ही बनाते रह जाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा टाइम लॉस होता है। ये 4 मार्क्स के लिए वो पूरा एक हफ्ता वेस्ट करते हैं, या फिर कम से कम तो बच्चे 3 से 4 दिन वेस्ट करते ही हैं। इतना टाइम नहीं लेना है, फाइल बनाने में सिर्फ 1 दिन का टाइम लगता है। वो पूरा का पूरा हम एक आपको वेबसाइट बताएंगे, एक ऐप है जिसके थ्रू हम आपको पूरी की पूरी फाइल बनाने का मेथड बता देंगे। तो ये हमारा था पूरा 20 मार्क्स कवर करने का। अब यहां पर जैसा कि मैंने कहा कि ये जो 12 मार्क्स हमारा कवर हुआ है ये रिटन टेस्ट के लिए है। रिटन टेस्ट की बात किया गया तो यहां पर रिटन टेस्ट में हमारे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द फर्स्ट इज, यहां पर हम इधर से बताते हैं, जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है रिटन टेस्ट में वो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, एंड जो अनदर होता है वो होता है हमारा एक रेशियो का क्वेश्चन। ऑलमोस्ट यही दोनों हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 95-100% चांसेस होते हैं अप्रोक्स। सो यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात किया गया तो इससे हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, और रेशियो से हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। सो ये 6 + 6 हमारे टोटल 12 मार्क्स के हमारे रिटन टेस्ट हो गए, 4 मार्क्स के हमारे वाइवा हो गए, एंड 4 मार्क्स का हमारा प्रोजेक्ट की फाइल पर नंबर मिल जाएगा। टोटल हमारा ये 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट हो जाता है। ये पूरी फाइल हम जब लास्ट टाइम आएगा दिसंबर के बाद जब प्रोजेक्ट अलाउड होते हैं तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर फिर से अपने वीडियो में बताएंगे कि पूरी फाइल को किस तरह से प्रॉपर मैनर में बनाना है, जिससे बोर्ड एग्जामिनेशन में हम जैसे बोर्ड एग्जामिनर हमारा फाइल देखे वो तुरंत हमें फुल मार्क्स दे दे। फिर यहाँ पर हमारे आते हैं 80 मार्क्स के ऊपर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पोर्शन है क्योंकि यही हमें पेपर देना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक पॉइंट से कि अगर हम ये पूछे किसी भी स्टूडेंट से कि ये बताओ कि 80 मार्क्स का जो पेपर होने वाला है ये कितने देर का होगा, तो सभी स्टूडेंट्स का एक साथ माइंड में एक ही आंसर हो रहा होगा, ये कैसा क्वेश्चन है, पेपर तो हमारा 3 आवर्स का ही होता है। तो बात तो सही है कि पेपर हमारा जो होगा वो 3 आवर का ही होगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हम जो पढ़ाएंगे यहां पर अगर टाइम मैनेजमेंट सही है, क्योंकि होता क्या है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि बच्चे पेपर तो अच्छा करते हैं लेकिन अच्छा करने के साथ साथ उनके कुछ क्वेश्चंस छूट भी जाते हैं और बाहर निकल के क्या कहते हैं कि पेपर तो बहुत इजी आया था लेकिन टाइम की वजह से हमारा क्वेश्चन छूट गया, पेपर बहुत लेंदी था। इजी था तो लेंदी किस तरह से हुआ फिर, क्योंकि प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट सही नहीं था, जो हम यहां पर बताएंगे सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप। आज का हमारा एक पार्ट है वीडियो का, फिर जब टाइम मैनेजमेंट की सारी चीजें होंगी तो हम एक एक क्वेश्चन को बताएंगे कि एक क्वेश्चन पे हमें पर्टिकुलर कितने टाइम देने चाहिए। अगर उससे ज्यादा हमने टाइम दिया तो डेफिनेटली श्योर हो जाना कि हमारा क्वेश्चन फिर छूटने वाला है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो हम कहते हैं हमेशा कि पेपर हमारा 3 आवर का नहीं होता है। हम अपने पेपर को कभी ये नहीं कहते हैं कि हमारा पेपर 3 आवर का, हम कहते हैं कि जो पेपर हमारा होने वाला है वो है 180 मिनट्स का। अब होता क्या है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, 3 आवर इज इक्वल टू 180 मिनट्स है सेम, लेकिन फर्क सिर्फ हमारा है माइंडसेट का कि हमारा जो माइंड है जब हम 3 आवर अपने माइंड में डिसाइड करके चलते हैं तो हमारा माइंड क्या कहता है, टाइम बहुत लिमिटेड है और जल्दी से पेपर करना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, और पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के चक्कर में और जल्दी करने के समय में क्या कर देते हैं, हम अपने क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, और अगर एक बार क्वेश्चन गलत हुआ तो फिर उसको करेक्ट करने में हम पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं, यही नहीं होना चाहिए। तो हम अपने 3 आवर को 3 आवर ना कह के हम कहेंगे मिनट्स में, हमारा पेपर टोटल 180 मिनट्स का होता है। अब कंडीशन इज व्हाट कि 180 मिनट्स को ही हम डिवाइड करते हैं हर एक एक क्वेश्चन के मिनट के लिए, जैसा कि अभी हम यहां पर कुछ क्वेश्चंस के लिए बताएंगे भी। अब ये 80 मार्क्स का हमारा पेपर है तो सिलेबस सभी को बता दिया गया होगा, ऑलरेडी बुक में देखे भी होंगे सारे बच्चे कि 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आते हैं तो 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, ये सब तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है, हम यहां पर ये कुछ नहीं बताने वाले हैं। हम बताएंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो पेपर बनता है वो किस तरह से बनता है। सो जो बोर्ड एग्जामिनेशन में हमारे अकाउंटेंसी का पेपर होता है विच इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, यहां पर हम इस तरह से बता देते हैं, ध्यान से आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखते रहे क्योंकि यहां पर हम एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को क्लासिफिकेशन करेंगे। सो यहां पर जो हमारा पेपर बनता है बोर्ड एग्जामिनेशन में ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। अभी हम आपको सारी चीजें दिखाएंगे कि जो बुक में है वो भी आ जाएगा और जो हम बताना चाह रहे थे अपने इस वीडियो में वो भी पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फर्स्ट इज पार्ट ए एंड द अनदर इज पार्ट बी।
पार्ट ए से हमारे बोर्ड में टोटल 60 मार्क्स के पेपर आते हैं एंड पार्ट बी से हमारे टोटल 20 मार्क्स के पेपर आते हैं। तो हो गया ना हमारा 60 + 20 = 80 मार्क्स। अब यहां पर सबसे जरूरी पॉइंट क्या है कि जो चीजें आपको पहले ऑलरेडी से पता है, फॉर एग्जांपल जैसा कि मैं कहूं कि आपको ऑलरेडी पहले से क्या पता है, तो ये पैटर्न आपको पता है पहले से कि अगर हमने कहा कि टोटल क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, यहां अगर हम एक कॉलम बना दें क्वेश्चन के लिए और दूसरा कॉलम बना दे रहे हैं हम अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए। सो अगर हम बात करें कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन की, 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं ये आपको पता होगा, लेकिन हम इसका क्लासिफिकेशन यहां पे करेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन की बात किया जाता है तो हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 20 होते हैं। फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन की बात किए जाते हैं तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 होते हैं, मीन्स 3 मार्क्स के हमारे टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 होते हैं, मीन्स 4 मार्क्स के हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो हमारे पास बोर्ड में 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, मीन्स 6 मार्क्स के हमारे 3 क्वेश्चन आएंगे। एंड नेक्स्ट लास्ट इज 8 मार्क्स के जो कि हमारे 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये हमारा पूरा पैटर्न है, जैसा कि हम कह दें कि ये जो हमारा पूरा पेपर है पार्ट ए प्लस पार्ट बी ये मिलकर हमारा बनता है ये पूरा पेपर। अब अगर हम यहां पर टोटल मार्क्स की बात कर लेते हैं तो यहां पर टोटल 80 आ जाएगा ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा 20, 6, 20, 18 और 16 और इसे जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल हमारा 80। आप लोग देख लीजिएगा इसको, लेकिन अब यहां पर हमें ये नहीं बताना है क्योंकि ये बुक में भी फर्स्ट पेज पर लिखा था कि 1 × 20। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको एक आइडिया लगे कि बुक में क्या लिखा था। अब यहां से हम करेंगे इसका क्लासिफिकेशन कि बोर्ड्स में हमारे जो क्लासिफिकेशन होंगे पार्ट ए एंड पार्ट बी में 1 मार्क्स के टोटल कितने क्वेश्चन पार्ट ए में आएंगे, 1 मार्क्स के टोटल कितने क्वेश्चन पार्ट बी में आएंगे, सेम एज इट इज फॉर सारे क्वेश्चन के लिए। और ये भी साथ साथ बताएंगे हम कि ये जो क्वेश्चंस आएंगे ये किस चैप्टर से आएंगे, ये भी हम बताएंगे आज, ताकि आप लोग एक सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करेंगे, टाइम मैनेजमेंट सही रहेगा और हम सही पाथ पे अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो हम लोग अपने गोल तक जरूर पहुंचेंगे। और हमारा गोल क्या है, बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स में अपने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को लाना, तो ये हमारा मेन गोल है। तो हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो मैनेजमेंट है अपने पढ़ाई का वो सबसे सही होना चाहिए। सो मैनेजमेंट की बात करें हम तो यहां पर हम फिर से बात कर लेते हैं कि जैसा कि हमने कहा कि यहां पर क्वेश्चंस एंड नंबर में मैंने डिवाइड किया है, तो यहां पर मान लेते हैं पहले क्वेश्चंस नोट कर देंगे और यहां पर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताएंगे। यहां पर सेम एज इट इज फॉर क्वेश्चन एंड मल्टीप्लाइड बाय यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम बता देंगे, तो इससे हमारा क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं पार्ट ए के लिए अपने पोर्शन की, सो पार्ट ए में जब बात करेंगे तो यहां पर भी हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होने हैं, 4 के भी आएंगे, 6 के भी आएंगे एंड 8 मार्क्स के भी आएंगे। ये हमारा पैटर्न है, इतने नंबर के क्वेश्चन आने हैं, लेकिन टोटल पेपर में 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आने हैं। सेम एज इट इज फॉर अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर क्या होगा कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहां पर भी, 3 मार्क्स के यहां के भी, 4, 6 एंड 8 ये हमारा यहां पर भी हमने नोट कर दिया क्योंकि यही मार्किंग पैटर्न है जो दोनों में मैं डिवाइड करूंगा। अब यहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस में 1 मार्क्स के क्वेश्चन टोटल पेपर में 20 होंगे, लेकिन जो पार्ट ए सेक्शन में आएंगे पार्ट ए में सिर्फ 13 क्वेश्चंस 1 मार्क्स में आते हैं, तो पार्ट बी में कितने आएंगे, सिर्फ 7 मार्क्स के। और ये हमारा हो गया एक पॉइंट फर्स्ट मार्क्स के लिए। नेक्स्ट अगर हम आते हैं अपने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए, तो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन हमारे यहां पर दिए हुए हैं तो ध्यान से देखना है कि 3 मार्क्स के हमारे यहां पर सिर्फ एक क्वेश्चन आएंगे पार्ट ए में और 3 मार्क्स के एक अनदर क्वेश्चन आएगा पार्ट बी में, जैसा कि 2 क्वेश्चन थे तो पार्ट ए में एक क्वेश्चन एंड पार्ट बी में दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है 4 मार्क्स के क्वेश्चन, सो 4 मार्क्स के क्वेश्चन टोटल आने हैं 5, लेकिन पार्ट ए की बात करेंगे तो पार्ट ए से हमारे टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं एंड पार्ट बी से हमारे सिर्फ 1 क्वेश्चन दिए जाते हैं बोर्ड्स में। नेक्स्ट हमारा है 6 मार्क्स के क्वेश्चन, सो 6 मार्क्स के टोटल हमारे 3 क्वेश्चंस आने हैं जिसमें से हमारे पार्ट ए में 2 क्वेश्चंस होंगे एंड पार्ट बी में
वन क्वेश्चन होंगे, जैसा कि यहाँ पे थ्री क्वेश्चन हैं, तो टू होगा हमारा पार्ट बी क्वेश्चन, पार्ट ए में हमारे टू क्वेश्चन होंगे सिक्स मार्क्स के, एंड पार्ट बी में हमारे वन क्वेश्चन होंगे सिर्फ। नेक्स्ट एंड लास्ट इज विच इज एट मार्क्स के क्वेश्चन, एट मार्क्स के टोटल पेपर में हमारे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और मैं ये बताऊंगा किस चैप्टर से आएगा, मैं ये भी बताऊंगा सारे मार्क्स को स्टेप बाय स्टेप। सो एट मार्क्स का जो हमारा पेपर होने वाला है, तो एट मार्क्स के क्वेश्चन कितने आएंगे, तो टोटल तो टू है, और ये अभी बता देते हैं ये दोनों क्वेश्चन हमारे पार्ट ए में ही आएंगे, ठीक, पार्ट ए में ही ये हमारे दोनों क्वेश्चन आने हैं, पार्ट बी में हमारे एट मार्क्स के एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे टोटल काउंटिंग कर लेते हैं तो सेम वही पैटर्न आएगा, आप लोग ऐड करके देख लीजिएगा जो हमने बताया। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर टोटल क्वेश्चन वन मार्क्स के हो जाएंगे 13, यहां पर हो जाएंगे 7, यहां पर हो जाएंगे 3, यहां भी हो जाएगा 3, फिर यहां पर 4 4 16, यहां पर 4, यहां पर 12, हियर इज 6 एंड इधर इज 16 एंड 0। अब अगर हम टोटल कर लेंगे इनके, तो टोटल करेंगे तो पार्ट ए से हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने के आएंगे, वो होंगे 60 के, एंड पार्ट बी से 20 के। यहां पर अगर ऐड करके देख लो तो 7 3 10 10 4 14 14 एंड 6 20, ये हमारा पूरा एक शॉर्ट पैटर्न था पूरे पेपर का, जो कि पार्ट ए एंड पार्ट बी में हमारा पूरा क्लासिफिकेशन होता है, ये सबसे जरूरी होता है जानना। अब यहां पर हम और भी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं कि पार्ट ए में कितने चैप्टर्स हमारे कवर होंगे, पार्ट बी में हमारे कितने चैप्टर्स कवर होंगे, क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाएगा तो हम सारी चीजें अपने स्टेप बाय स्टेप अच्छे से क्वेश्चन को करते चलेंगे। सो यहां पर हमने ये पूरा एक फॉर्मेट बना दिया है, अब हम थोड़ा सा साइड अभी हो जा रहे हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो मैंने आपके लिए अलग से स्लाइड भी बनाया हुआ एकदम फेयर वर्क में, जो कि ये हमारा जो डाटा है मैंने एक एक वर्ड को अच्छे से एकदम क्लियरिटी के साथ, ताकि क्योंकि आपके लास्ट टाइम तक जब तक बोर्ड एग्जामिनेशन आप नहीं देंगे तब तक ये आपके पूरे काम आना, आपको ये देखते रहना है कि वन मार्क्स के क्वेश्चन कितने हैं, टू मार्क्स के कितने, थ्री मार्क्स के कितने, फोर के कितने, सिक्स एंड एट के। सो ये पैटर्न पे हमें अपने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है। तो ये हमारा पूरा एक पैटर्न हुआ। अब हम आएंगे अपने पार्ट ए एंड पार्ट बी के चैप्टर्स के क्लासिफिकेशन के ऊपर, जो कि हम यहां पर ये पोर्शन इरेज करके ये हम ऐसे एज इट इज कर छोड़ देते हैं, अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद से जो हमारा है ये पैटर्न, यहां से हम शुरू करते हैं। सो हम ये 20 मार्क्स वाला इरेज करते हैं क्योंकि हमारे सामने ये जरूरी है होना। सो हम इस पोर्शन को इरेज कर देते हैं। अब ये हमारा पैटर्न जो बता रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि अगर हम टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से कर लेंगे अपने पूरे क्वेश्चंस का, हम पूरे क्वेश्चंस का आइडिया लगा लेंगे कि हमारे पास बोर्ड में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं, सो हमारे प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। ये हर साल का है, और जब बोर्ड एग्जामिनेशन लास्ट टाइम आएंगे तो सैंपल पेपर्स के क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चन, जब भी हम, अब ये मेरा जो चैनल है, मैं इस चैनल पर रेगुलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा हर एक चैप्टर की। चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे हम पार्टनरशिप से, अभी मैं यहां पर बताने वाला हूं, तो वहां से स्टार्ट करेंगे, रेगुलर हम लोग एक क्वेश्चन एक टॉपिक का अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों को किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। न्यू बुक के अकॉर्डिंग मैं बता दे रहा हूं कि जो भी चीजें मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो वो होगी बुक हमारी डीके गोयल की, क्योंकि मैं उसी से पढ़ाता हूं यहां पे ज्यादातर। तो यहां पर क्या है, आपको किसी भी क्वेश्चंस में अगर प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर न्यू सिलेबस वाली बुक का आप क्वेश्चन नंबर भी अगर मेंशन कर देंगे तो मैं वो क्वेश्चन यहां पर हेल्प कर दूंगा। एंड अदरवाइज आपके पास एक और ऑप्शन रहेगा कि मैंने अभी यहां पर व्हाट्सएप नंबर अपना मेंशन करूंगा, जिससे कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उस क्वेश्चन की पर्टिकुलर पिक क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं उसका भी एक अलग से वीडियो लेक्चर बना दूंगा। हमारे बोर्ड के सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कराए जाएंगे और सारा मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे। सो द नेक्स्ट टर्म इज हमारा है कि पार्ट ए एंड पार्ट बी में जो हमारे मैंने मार्किंग पैटर्न लिखे हैं, तो पार्ट ए एंड पार्ट बी यहां पर अब हम इनका चैप्टर वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये हो गया हमारा टू पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट विच इज पार्ट ए एंड अनदर इज विच इज पार्ट बी, ये हमारा पूरा क्लासिफिकेशन होगा। पार्ट ए में जो हमें चैप्टर्स पढ़ने हैं वो हमारे हैं सबसे पहले एनपीओ मींस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है।
आफ्टर दैट हमारा जो है वो पार्टनरशिप का चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है पार्टनरशिप का, लेकिन पार्टनरशिप में हमारे कई सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब यहां पर पार्टनरशिप मैंने मेन हेडिंग से मेंशन कर दिया है, अब इसमें जो चैप्टर्स आने हैं वो मैं बता देता हूं। फर्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। जो सेकंड चैप्टर होगा हमारा वो होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा वो हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, या फिर एडमिशन हम टॉपिक कह दें। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा वो होगा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर्स। फिर हम पढ़ेंगे फिफ्थ एंड लास्ट चैप्टर विच इज डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन हमारा लास्ट टॉपिक हो जाएगा। ये हमारा पार्ट ए में, और हमारे पास ये भी है कि पार्ट ए में हमारे दो वॉल्यूम्स होंगे, ये दोनों वॉल्यूम कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसा कि मैं बताया ना कि ये जो पार्ट ए है तो पार्ट ए में दो वॉल्यूम की बुक आएगी, क्योंकि हमें अगर डीके गोयल की बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें तीन बुक्स मिलेंगी सभी के लिए, वो सभी राइटर्स में आती हैं। तो यहाँ पे पार्ट ए की बात किया गया, यहाँ पे तो पार्ट ए में हमारे दो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वन एंड वॉल्यूम टू, ये दोनों ही मैंने कवर करके एक साथ बताया है। अब यहाँ पर हम इनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। सो ये जो पोर्शन हमारा इतना है फाइव तक पॉइंट में, ये हमारा पूरा वॉल्यूम वन तक था, ये पूरा हमारा वॉल्यूम वन है। अब इसके बाद से हम यहां पर वॉल्यूम टू के लिए बता देते हैं क्या क्या चैप्टर्स हमारे आने हैं। सो जो फर्स्ट चैप्टर हमारा होगा वॉल्यूम टू के लिए वो हमें पढ़ना है इश्यू ऑफ शेयर्स, हम यहां पर शॉर्ट में लिख देते हैं सिर्फ शेयर्स पढ़ने हैं। आफ्टर दैट हमें डिबेंचर्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट हमें लास्ट, बस तीन ही चैप्टर हमें पढ़ने हैं यहां पे। नेक्स्ट लास्ट हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये हमारा चैप्टर होगा पार्ट ए के सेकंड वॉल्यूम में। सो ये हमारा पूरा पैटर्न है। फिर अगर हम पार्ट बी में बात करें तो पार्ट बी में क्या होगा, स्टार्टिंग में हमें दो चैप्टर जो है वो थ्योरी के मिलते हैं, हम न्यूमेरिकल चैप्टर्स की बात करते हैं। क्योंकि जैसा कि मैं अभी बता देता हूं कि जो 80 मार्क्स के हमारे टोटल ये पेपर होने वाले हैं, बोर्ड्स में 75 to 76, हम 75 ही अप्रोक्स रखते हैं, 75 मार्क्स के हमारे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल आएंगे। मींस सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे थ्योरी लिखने के लिए आएंगे, वो भी 1 मार्क्स में, और वो भी किस टाइप की थ्योरी है ये बता देंगे। डिफरेंस लिखने के लिए आ गया, डेफिनेशन लिखने के लिए आ गया। अरे तो जब हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं तो उनके डेफिनेशन डिफरेंसेस तो हम बहुत आराम से कर सकते हैं। सो हमारा जो मेन फोकस होगा वो क्या होगा, न्यूमेरिकल को बहुत बढ़िया से सॉल्व करना, और विद अ ट्रिक्स। क्योंकि अगर एक बच्चा किसी क्वेश्चन को 30 मिनट्स में सॉल्व करता है और अगर हमने उस क्वेश्चन को 20 मिनट्स में सॉल्व करना सिखा दिया तो आपके 10 मिनट्स बच गए, वो 10 मिनट्स जो बचेंगे आप किसी और क्वेश्चन पे इन्वेस्ट करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, यही हमारा प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होगा। सो पार्ट बी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम सबसे पहले एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर एक कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ते हैं, और कॉमन साइज स्टेटमेंट के बाद से फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, फिर हम रेशियो का चैप्टर पढ़ते हैं, एंड द लास्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने अभी अपने प्रैक्टिकल वाले फॉर्म में बताया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड रेशियो। इससे हमारे प्रैक्टिकल में तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं 6 मार्क्स 6 मार्क्स के, हमारे बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हमारा एक पूरा पैटर्न चलता है। अब यहां पर जो मैंने मार्किंग पूरा पैटर्न नोट किया है, अब मेरा मेन पॉइंट आता है यहां पर क्या, कि हम ये बताएं कि जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं मार्किंग पैटर्न के लिए वो किस चैप्टर से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल हम यहां पर हिंट करते हैं, और इसके बाद से जब हम पूरा पढ़ाई इसका क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे तो हम पर्टिकुलर फिर भी बताएंगे कि इस चैप्टर को जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं पहले मेंशन करूंगा कि अगर मैंने पार्टनरशिप का फंडामेंटल स्टार्ट किया तो इस फंडामेंटल के टॉपिक से हमारे बोर्ड में कितने क्वेश्चन आएंगे। जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं पहले बताऊंगा कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं वो सब हम बताएंगे, और हमारा फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा आज के लिए बस वीडियो इसी के लिए है। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा अपलोड होगा वो हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ अपलोड होगा। सो हम अभी पहले 1 मार्क्स की बात छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स हमारा सिर्फ क्या होता है, रिटन है, रेशियो निकालना है, वो सारी चीजें हम अपने क्वेश्चन में बताएंगे। हम आते हैं अपने 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे। तो जैसा कि मैंने कहा कि 3 मार्क्स में हमारे 1 क्वेश्चन आएंगे पार्ट ए से, और वो होगा हमारा एनपीओ से, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट बी में मैंने लिखा, हम साथ साथ दोनों लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आना है ये हमारा रेशियो से हो जाते हैं,
ठीक है, कभी कभी चेंजिंग हो जाता है, ये कंपेरेटिव कॉमन और रेशियो में भी चेंजिंग हो जाता है, अभी हम बताएंगे लास्ट में। फिर फोर मार्क्स के हमारे टोटल फोर क्वेश्चन आने हैं, पार्ट ए से एंड पार्ट बी से वन क्वेश्चन। तो पार्ट बी में वन ही क्वेश्चन है जो कि हमारा इनसे आते हैं। मैंने जैसे कहा ना अभी, कभी अगर फोर मार्क्स में कंपेरेटिव कॉमन दे दिया तो थ्री मार्क्स में ये हो गया, और अगर थ्री मार्क्स में ये दे दिया तो फोर मार्क्स में रेशियो हो गया, यही है, इसके लिए फिक्स होगा, अभी बताते हैं आगे हम। लेकिन इनके साथ क्या होगा, और करके ऑप्शन आ जाएगा, और करके ऑप्शन मीन्स या तो ये क्वेश्चन करिए या तो फिर ये क्वेश्चन करिए, दोनों में ऑप्शंस रहेंगे, और दोनों ही बहुत इजी चैप्टर्स हैं, इनको हम ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व कराएंगे। ये हमारा एक पैटर्न हो गया। अब फोर मार्क्स के हमारे फोर क्वेश्चन आने हैं पार्ट ए से, और ये जो होंगे एक क्वेश्चन हमारा हो जाएगा एनपीओ से, ठीक है। अब पहले क्या था, एनपीओ में एक क्वेश्चन आता था सिक्स मार्क्स का, लेकिन अभी लास्ट टाइम से ये देखने में आ रहा है कि अब जो हमारे फोर मार्क्स के एनपीओ के क्वेश्चन है, थ्री मार्क्स के एक क्वेश्चन आएंगे और वन मार्क्स के थ्री क्वेश्चन आएंगे इससे, तो टोटल ये टेन मार्क्स का जो एनपीओ हमारा टोटल कवर करता है ये टेन मार्क्स का होता है। सो एनपीओ चैप्टर से हमारा जो है ये टोटल टेन मार्क्स, अगर हम बात करें वन मार्क्स की तो इससे थ्री नंबर के आते हैं, वन मार्क्स वाले जो थ्री क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल ये कितने हो गए हमारे टेन मार्क्स के। एनपीओ जो चैप्टर है इससे हमारे बोर्ड में टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो पार्टनरशिप मैंने लिखा है, फंडामेंटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडमिशन रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन, हम टोटल बताते हैं पार्टनरशिप से हमारे टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। हमारे बोर्ड में पार्टनरशिप से टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और जो ये पोर्शन हमारा मैंने नोट किया है, जैसे ये हो गया 30 और प्लस 1 40 हो गया, और ये जो टोटल हमारा इससे चैप्टर से आएगा, ये तीनों मिला के जो वॉल्यूम 2 होगा, इससे हमारे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं। तो देखिए 20 प्लस 30 50, और 50 और 10 हो गया हमारा 60, जो कि हमारा ये 60 मार्क्स का पेपर आना है। अब यहां पर हम नेक्स्ट थिंग बात करते हैं क्या, कि और 4 मार्क्स के तो एक क्वेश्चन इसके हो गए, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हमारा फंडामेंटल और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऑप्शन करके आते हैं, ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एक और फोर मार्क्स का, अब ये हमारा डिवेंचर्स में और बाकी सब में डिवाइडेड होगा, जैसा कि हम चैप्टर्स बताएंगे तो उसमें और अच्छे से क्लासिफिकेशन करते चलेंगे। फिर सिक्स मार्क्स की हम बात करते हैं, सिक्स मार्क्स के हमारे पार्ट ए से टू क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी से वन क्वेश्चन होंगे। तो पार्ट बी से जो वन क्वेश्चन सिक्स मार्क्स का मैंने बताया ना, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से है, ठीक है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट से जो टोटल आते हैं क्वेश्चन वो एट मार्क्स के आते हैं, वन मार्क्स के टू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा है तो वन मार्क्स के भी क्वेश्चन आएंगे और सिक्स मार्क्स का एक अकेला क्वेश्चन होगा, टोटल हमारा एट मार्क्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन आते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन आएगा ये जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे हम तो बताएंगे। फिर नेक्स्ट थिंग, यहां पर सिक्स मार्क्स के टू क्वेश्चन जो आने हैं, तो एक क्वेश्चन आएगा हमारा डिसोल्यूशन से सिक्स मार्क्स के लिए, और जो अनदर आता है ये डिवेंचर्स वाले, तो ये डिवेंचर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में एक ऑप्शन हो जाता है हमारा, ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम टू वाले से भी हमारे एक क्वेश्चन सिक्स मार्क्स के आ गए और डिसोल्यूशन से एक सिक्स मार्क्स का हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अभी तक हमने वन मार्क्स, थ्री मार्क्स, फोर मार्क्स, वन मार्क्स, तो अभी सब कॉम्बिनेशन हो जाएगा, थ्री फोर सिक्स में हमने सब देख लिया। अब हम आते हैं लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा मार्क गेनिंग होता है, पार्ट बी एंड पार्ट ए में एट मार्क्स। तो पार्ट बी में हम देखते हैं कि एट मार्क्स के एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन पार्ट ए में हमारे एट मार्क्स के टू क्वेश्चन आएंगे, और दोनों क्वेश्चन हमारे पार्ट ए से ही हैं, जैसा कि मैंने लिखा है। तो एक क्वेश्चन होगा वॉल्यूम वन से हमारा, और दूसरा होगा वॉल्यूम टू से। किस चैप्टर से होगा ये भी हम अभी बताते हैं, शेयर से होंगे एक क्वेश्चन हमारे, ये एट मार्क्स के, शेयर से हमारा एट मार्क्स का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैं एक सेट बताता हूं पूरा, जब शेयर चैप्टर में स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें पूरे क्वेश्चंस का सेट बता देंगे, 4 to 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चंस हमारे अप्रोक्स आ जाते हैं, तो वो मैं सारा जब अपना चैप्टर क्लियर कराऊंगा तो उसमें मैं सारी चीजें बताऊंगा। फिर एट मार्क्स का एक और क्वेश्चन आएगा हमारे पार्ट ए के क्वेश्चन से, तो वॉल्यूम टू से हो गया एक, और वॉल्यूम वन से हो जाएगा ये एडमिशन से। लेकिन इसमें ऑप्शंस होते हैं, एडमिशन एंड रिटायरमेंट का जो चैप्टर है इसमें क्या होता है, दोनों में ऑप्शंस आ जाते हैं, मींस एक क्वेश्चन दे देगा रिटायरमेंट का और एक क्वेश्चन दे देगा एडमिशन का, और कहेगा दोनों में से कोई एक सॉल्व करिए जो आपको आ रहा है अच्छे से, तो दोनों ही हम क्या करते हैं फिर सॉल्व करने, तो हम अपने क्वेश्चन को जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उसी के टाइम हम समझ जाते हैं। जैसे कि रिटायरमेंट एंड डेथ है, तो अभी मैंने जैसे फोर मार्क्स के लिए बताया था ना, तो फोर मार्क्स का हमारा ये डेथ से आ जाता है। फिर
तो इस तरह के हमारे पूरा क्लासिफिकेशन पूरा ये नंबर का होता है। 8 मार्क्स के हमारे एडमिशन रिटायर। अब ये एडमिशन में जो हमारे 8 मार्क्स मैंने लिखा ना, और रिटायरमेंट में मैंने कहा ऑप्शन में, तो जब ये चैप्टर हम पढ़ाएंगे ना एडमिशन का, तो उस टाइम हम ये भी बताएंगे कि जो एडमिशन का हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे हमारे 8 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, जिससे 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो उसमें भी मैं पूरा एक सेट बनाऊंगा जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस के टाइप्स देंगे, और उन्हीं टाइप्स के क्वेश्चंस में से हमारे कुछ टाइप के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आ जाएंगे। तो अगर हम पूरा चैप्टर की बात करेंगे तो लगभग हमारे पास अप्रॉक्स 150 क्वेश्चंस हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि 150 क्वेश्चन में कितने टाइप के हमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो कहा गया हमें टोटल 20 टाइप्स के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। और अगर हम ये पहले से ही बता दें कि इन 20 में से सिर्फ अगर आप 5 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ लो, तो इसी में से आपका ये क्वेश्चन फंस जाना है बोर्ड में, तो क्या ये इजी नहीं हो जाएगा? बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि जहां पे एक बच्चा पूरे, अब एग्जामिनेशन टाइम में क्या होता है, पूरे जब प्रैक्टिस करने के लिए कोई कहता है तो क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये सबसे गलत मेथड है कि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं रिवीजन करने के लिए। नहीं, रिवीजन जब भी होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के क्वेश्चन के होंगे, जो प्रैक्टिस सेट होंगे जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा सारे क्वेश्चन की। और क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल हम यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे, तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि अभी किसी के पास बुक्स अवेलेबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मार्केट ओपन हो चुके हैं सारे, आप लोग बाहर से अब बुक्स परचेस कर सकते हैं। अगर बुक्स नहीं है इन केस में किसी भी स्टूडेंट्स के पास, तो मैं यहां पर कोशिश करूंगा, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा फ्री बुक की, आप लोग यहां से डीके गोयल की बुक डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक बार कोशिश किया था तो लिंक उसमें डाउनलोडिंग नहीं हो रहा था। तो अगर किसी के पास बुक नहीं होगा, तो मेरे इस वीडियो में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप वो बुक को मंगवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए होंगे। हमारे कॉमर्स में क्लास 11th में अकाउंटेंसी, इको, बीएसटी, या फिर क्लास 12th में हमारे अकाउंटेंसी, इको और बीएसटी, दोनों तीनों हमारे सारे बुक्स हम पीडीएफ में यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे आपको, अगर नहीं होगा तो। तो ये हमारा पूरा एक ओवरऑल मार्किंग पैटर्न स्कीम था। अब यहाँ पे हमें एक पैटर्न पता चल गया कि हमें पढ़ना क्या है और किस तरह से पढ़ना है, हमें एक प्रोसेस अपना राइट पाथ मिल गया। क्योंकि कहते हैं अगर हम सही डायरेक्शन में जाएंगे तो अपने मंजिल तक हम जरूर पहुंचेंगे। तो ये हमारा है डायरेक्शन, और अब मेरा काम है आप लोगों को इस डायरेक्शन पे सही तरीके से ले जाना। और यहां से क्या होगा, फिर हम अपने क्वेश्चंस को प्रॉपर एक एक स्टेप वाइज, जैसे अब हम जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, डेली हमारी वीडियोस अपलोड होंगी, मैं डेली एक सेट का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। और जो फर्स्ट स्टार्ट करूंगा मैं, वो होगा पार्टनरशिप के फंडामेंटल के टॉपिक से, क्योंकि यहां से हमारे टोटल 30 मार्क्स के कवर होते हैं। और यहां से स्टार्ट करते करते हम ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे, हर एक चैप्टर की बेसिक रूल्स, फॉर्मेट, और फॉर्मेट को लर्न करने की ट्रिक भी मैं सिखाऊंगा। क्योंकि होता क्या है कि बुक्स में हमारे जर्नल एंट्रीज हैं, फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, उन सभी को बच्चे क्या करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं कि याद करना है। लेकिन क्या करना है, अगर हम कोई भी चीज याद करेंगे तो एक टाइम के बाद वो चीज हमें भूलनी है, ये डेफिनेटली है। लेकिन अगर हम उस चीज का कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, कुछ ट्रिक समझ जाते हैं, तो वहां से क्या होता है, हमारा पूरा फॉर्मेट एक ही बार में पूरा लर्न हो जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये हमारा पूरा पैटर्न होगा पढ़ाने का। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी वो होगी फंडामेंटल्स स्टार्ट करने की, जहां से हम अपने फॉर्मेट्स, क्वेश्चंस को लगाने के पैटर्न, और इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जितने भी चैप्टर्स मैं कवर करूंगा, इन सारे चैप्टर्स में कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक सेलेक्टिव टॉपिक का सेट बनाया है मैंने आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों को यह समझने में आसानी हो जाए कि किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पढ़ने के लिए। सो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम अपनी पूरी प्रिपरेशन करेंगे और अपने पूरे सेट को प्रिपेयर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। अगर कोई और प्रॉब्लम होगा किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उस क्वेश्चन के पिक क्लिक करके हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। सो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आप क्या हो, मैं जो भी सॉल्यूशन अब यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ बोर्ड से रिलेटेड, ट्रिक्स से रिलेटेड, मार्किंग पैटर्न से रिलेटेड, वो आपको रेगुलरली अपडेट होते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, जिससे कि मेरी वीडियोस रेगुलरली आपको अपडेट मिलते रहे, क्योंकि वीडियोस हमारे अब रेगुलरली आएंगे। और वीडियो को लाइक करिए और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि सभी का हेल्प हो। जब हम सभी के बारे में सोचेंगे तो हमारा भी अच्छा होना है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।